हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 26 चालाक लोमड़ी, इस पाठ को पढ़ेंगे। हिंदी में आपका थोड़ा सिलेबस रहता है, क्योंकि लास्ट में कुछ आपके लेसन्स हैं, तो वो हम आपको कंटिन्यूस करवाएंगे। अब रेगुलर हिंदी का ही वर्क आएगा आपके पास, क्योंकि आपको ये कंप्लीट करना है एग्जाम से पहले, ठीक है। चालाक लोमड़ी, इसके कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। सुंदरता, प्रशंसा, प्रयास, प्रयास, शीतल, झुंड, कुएं, ठंडा, कैद, अकल। अब ये कठिन शब्द थे, इनको आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और बार बार बोलने का अभ्यास भी करेंगे। अब हम पाठ को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा पाठ पढ़ेंगे, फिर उसकी कुछ एक्सरसाइज भी कर लेंगे। एक चालाक लोमड़ी थी, अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर वह जंगल के एक कुएं के पास गई। किसी ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर दी होगी, तारीफ। प्रशंसा मीन्स तारीफ। तो वह कुएं के पास गई। लोमड़ी ने खुद को कुएं के जल में झांक कर देखा। चेहरे के बाद पैरों की सुंदरता देखने के लिए जैसे ही वह और ज्यादा झुकी तो कुएं में गिर गई, गिर पड़ी। उसने कुएं से निकलने के लिए हाथ पैर मारे। अब कोई कुएं में गिर जाता है तो हाथ पैर तो मारता है ना कि मैं बाहर निकलूं, लेकिन कुआं तो बहुत गहरा होता है, पर निकल ना सकी। वह चालाक थी, वह जानती थी कि अधिक प्रयास करने के से वह थक कर डूब जाएगी। प्रयास मीन्स कोशिश, यानी कि बहुत कोशिश भी करती रहेगी तो थक कर डूब जाएगी। उसने अकल लड़ाई। उसने जंगल से चरकर लौटती बकरियों के झुंड की आहट सुनी। आहट मीन्स आवाज। तो जंगल से बकरियां जब चरकर वापस आ रही थी तो उनके आने की उसने आवाज सुनी। उसने तेज आवाज लगाकर कहा, अरे इधर आओ। देखो विस्मयबोधक यहाँ पर चिन्ह है, पूर्ण विराम के नीचे बिंदी लगी होती है। अरे इधर आओ, शीतल जल पीकर जाओ। एक प्यासी बकरी उसके कथन को सुनकर कुएं के पास आ गई। कथन मीन्स वाक्य, यानी कि जो उसने बोला कि इधर आओ पानी पीकर जाओ, तो वो सुनकर उस कुएं के पास आ गई। अंदर झांक कर लोमड़ी को पानी में छप छप करते देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठंडा मीठा जल पी रही हूँ और नहा रही हूँ, लोमड़ी ने कहा। यह सुनकर बकरी ने कहा, अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी बहुत प्यासी हूँ, मैं भी ठंडा मीठा पानी पीना और नहाना चाहती हूँ। चालाक लोमड़ी ने झट से कहा, तो फिर यहाँ नीचे आकर तुम पानी को क्यों नहीं पीती? मूर्ख बकरी ने लोमड़ी की बात पर विश्वास करके कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही बकरी कुएं में कूदी, वैसे ही लोमड़ी ने जल्दी से उसकी पीठ पर पैर रखा और कूद कर कुएं से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद बकरी को समझ में आया कि लोमड़ी ने उसके साथ चाल चली है। अब बकरी कुएं में कैद होकर पछता रही थी। आगे पढ़ेंगे शब्द अर्थ और इसके ये प्रश्न उत्तर भी करेंगे। चालाक, चालाक का अर्थ होता है चतुर। प्रशंसा, तारीफ, सुंदरता, खूबसूरती, ज्यादा, अधिक, ये चार शब्द हैं। इनके भी अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। मौखिक प्रश्न सिर्फ बोलकर करने होते हैं। चालाक लोमड़ी कुएं में कैसे गिर पड़ी?
जब वह अपनी खूबसूरती को कुएं में देख रही थी तो ज्यादा झुकने से कुएं में गिर पड़ी। लोमड़ी ने बकरी को क्या कहकर कुएं के जल में कूदने का लालच दिया? लोमड़ी ने बकरी को यह कहा कि कुएं से मीठा ठंडा जल पी लो और नहा लो, तो इसलिए वो बकरी जो है कुएं में कूद गई। लिखित प्रश्न करेंगे अब। लिखित का होता है अर्थ लिख कर करना, मौखिक बोलकर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोमड़ी ने अपनी सुंदरता परखने के लिए कहाँ देखा? उत्तर है इसका, लोमड़ी ने अपनी सुंदरता परखने के लिए कुएं में देखा। तो आपको भी इस तरह से प्रश्न उत्तर लिखने हैं। आपका प्रश्न एक लाइन में नहीं आएगा तो दूसरी लाइन में लिखेंगे। दूसरी लाइन में जो स्थान खाली बच जाएगा, लाइन बाकी बच जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं लिखना। प्रश्न के बाद प्रश्न चिन्ह लगाना है। फर्स्ट में बच्चे फर्स्ट प्रश्न उत्तर करते हैं तो उनको ध्यान रखना है। प्रश्न के बाद प्रश्न चिन्ह, उत्तर के बाद पूर्ण विराम। आपका ये उत्तर भी एक लाइन में नहीं आएगा, दो लाइनों में लिखेंगे। तो यानी कि एक लाइन पूरी भर जाएगी तो दूसरी लाइन में अगर दो तीन चार शब्द आते हैं तो वो खाली जगह बची रहेगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ खाली जगह बची हुई है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लोमड़ी के कुएं में गिरने की क्या वजह बनी? लोमड़ी जैसे ही थोड़ा ज्यादा झुकी तो वह कुएं में गिर गई, यानी कि थोड़ा ज्यादा झुकने की वजह से। तो यह वजह थी। प्रश्न अगला, कुएं से निकलने के लिए चालाक लोमड़ी ने क्या युक्ति अपनाई? लोमड़ी ने चालाकी से बकरी को कुएं में बुला लिया और उसके ऊपर चढ़कर बाहर आ गई। तो इस तरह से उसने उपाय किया कि युक्ति का अर्थ होता है उपाय, कि लोमड़ी ने क्या उपाय किया, यानी कि लोमड़ी ने चालाकी से बकरी को कुएं में बुला लिया था कि आ जाओ मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी पी लो और नहा भी लो। वो तो नहा नहीं रही थी लोमड़ी, वो तो गिर गई थी, इसलिए वो छपक छप कर रही थी कुएं के अंदर। अगला प्रश्न है, बकरी को कुएं में गिरने के बाद क्या बात समझ में आई? बकरी को कुएं में गिरने के बाद समझ में आया कि लोमड़ी ने उसके साथ चाल चली है। तो ये आपने पाठ पूरा पढ़ना है क्योंकि रीडिंग करने में बहुत मजा आता है। चालाक लोमड़ी पूरा पाठ पढ़िए ध्यान से, और शब्द अर्थ और ये क से घ तक चार प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर कीजिए। ओके बाय।